बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दू चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालू निरखुने त्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजजी महाराज के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जल्द से जल्द हम सब की दृष्टि अंदर की ओर मुड़े और हम अपने ही दिल में बैठे श्री राजजी महाराज के दीदार कर पाएं, यही उनसे प्रार्थना। और आइए उसी के साथ श्री फूल बाग की अति सुंदर चौपाई, बाग बने फूलन के लगत झरोखे दीवार, जब आवत हैं इन छज्जों रूहे इत होत खुशाल। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 10 चौपाई 5। रंग महल की पश्चिम दिशा के बाहरी हार मंदिरों की दीवारों तथा झरोखों से लगते हुए ठीक सामने फूलों के बाग आए हैं। जब सखियां इन बाहरी हार मंदिरों के छज्जों यानी झरोखों में आकर सामने दृष्टिगोचर होने वाले फूल बाग का अति मोहक दृश्य देखती हैं, तो आनंद के सागर में डूब जाती हैं। और इस प्यारी सी चौपाई को श्रृंगारित किया ये डिफरेंट डिफरेंट कितने प्यारे प्यारे फ्लावर से हमारी प्यारी चित्रांशी ने, अति सुंदर सेवा बेटा, इतने प्रकार के फूल आपने लगाए और इतनी प्यारी चौपाई, इतना प्यारा श्रृंगार, अति सुंदर सेवा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। क्योंकि आज हम इन छज्जों झरोखों की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो ये चौपाई हमें जरूर ही अच्छे से इनका मंथन करना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे शेयर की सुंदर साथ जी। और आइए अब हम चलते हैं, हम कहाँ पर थे सुंदर साथ जी, हमने सारी नहरें रोसे सब प्रकार के चह बच्चों की लीला को भी सुना, कितना प्यारा वो चह बच्चों का जल उछालना कोने से कोने की तरफ और बीच के चक्रीदार होकर ऊपर जाना। आज हम चलेंगे इन पहले चबूतरे, नहर के पहले चबूतरे की तरफ जो कि श्री रंग महल से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेवल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, आप सीधा उन पर आ जा सकते हैं। यहाँ पर जो चह बच्चे हैं वो नहीं आए हैं सुंदर साथ जी, ये जो नॉर्मल चह बच्चे होते हैं ना वो यहाँ पर नहीं आए। वो चह बच्चे किस प्रकार के हैं वो हम यहाँ से पहले समझेंगे, फिर इस नक्शे को देखकर उनको दिल में बसाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए, ये जो पहला नहर का आड़ा चबूतरा हमें मिला उस पर आप देखिए, ये वाले जो चह बच्चे है ना, नॉर्मल वाले चह बच्चे जहां पर नहरें मिलती हैं वो यहाँ नहीं आए हुए। तो कौन से ऐसे विशेष चह बच्चे आए हैं यहाँ पर, तो इसका इंट्रोडक्शन महाराज जी कैसे शुरू करते हैं,
वो कहते हैं ये आड़ा चबूतरा कितना था सुंदर साथ जी, चैट के लिए हैंड्स अपनी रेडी रखेंगे अपनी सेवा हम सब सुंदर साथ। सारे नहर के चबूतरे कितने चौड़े हैं सुंदर साथ जी, ये पहला नहर का चबूतरा भी बिल्कुल वैसा। हां जी अंजलि जी बिल्कुल सही, 3.25 मंदिर का चौड़ा, जिसमें 1.25 मंदिर का जल, एक एक मंदिर की रौस, और उसमें भी रौस के भी 3 पार्ट्स, बीच में फुलवारी और आसपास 33-33 हाथ की रौस। अति सुंदर सुंदर साथ जी फटाफट उत्तर दिए जा रहे हैं। आपको पता है चैट देखने के लिए मैं दूसरी डिवाइस यहाँ पर रखती हूँ कि मुझे सुंदर साथ के चैट वहां पे दिखाई दे। अति सुंदर, बहुत ही प्यारे उत्तर। हाँ जी उसके बाद क्या हुआ, अब इसको ना आए आपने एक खुला यहाँ पे चबूतरा उठा दिया, उसमें 1.25 मंदिर का जल और आसपास रौस से फुलवारी आ गई। अभी उनके ऊपर कोई चहे बच्चे नहीं, कुछ नहीं, धीरे धीरे उस शोभा को दिल में खड़ा करते हैं। सबसे पहले उन नहरों पर पुल बनाए गए, ये वाले जो पुल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करूं सुंदर साथ जी, ये देखिए। हाँ जी थोड़ा सा और हुआ तो आप ये देखिए एक बार, पुल पुल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 ब्रिजेस यानी कि 10 पुल बनाए गए इनके ऊपर। 10 पुल, कितना कितना ये चौड़ा होगा, इधर की तरफ से कितनी चौड़ाई होगी उस पुल की, ये तो सब सुंदर साथ को पता है। इन पुल की कितनी चौड़ाई होगी सुंदर साथ जी, इधर से ऐसे कितने चौड़े होंगे ये पुल, जितना चौड़ा जल आया है ना, जितने में जल आया उतने में ही तो इस तरफ से पुल आएगा। हाँ जी बिल्कुल, 1.25 मंदिर की चौड़ाई, याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, मैं आपको शोभा के लिए बस बता रही हूँ। 1.25 मंदिर की चौड़ाई और सेम टू सेम उन्होंने लंबाई भी रखी, तो एक स्क्वायर शेप का वो हमें पुल प्राप्त हुआ। 1.25 मंदिर चौड़ा क्यों, क्योंकि 1.25 में ही तो जल आया था, उसी के ऊपर ये हमारे पुल आएंगे, तो 1.25 मंदिर का लंबा, 1.25 मंदिर का चौड़ा, हमारे पास 10 पुलों की शोभा। अति सुंदर पुल हमारे किस प्रकार के होते हैं, उनके आसपास जल की तरफ अति सुंदर कठेड़ा की शोभा होती है, अति सुंदर। और अब क्या हुआ, इन 10 पुलों के बीच की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, इधर वाली बात नहीं कर रहे अभी। ये जो 10 पुल आए हैं, यदि पुल 10 हैं तो उनके बीच की संधें कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 संधे, 10 पुलों के बीच में 9 हमें ये संधे प्राप्त होती हैं, यानी एक पुल से दूसरे पुल के बीच की जगह को संध बोलते हैं। जिन सुंदर साथ को काउंटिंग में इंटरेस्ट हो, शोभा उनके दिल में और अच्छे से बसती है, वो इस गिनती को सुनेंगे, शोभा दिल में बसाएंगे। परंतु जो अभी अभी जिन्होंने सीखना शुरू किया है सुंदर साथ जी, इतनी महीन गिनती यदि आप छोड़ भी देंगे, केवल शोभा दिल में बसाने का प्रयास करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये संत महाराज जी ने लिखी, हालांकि मैंने ये पूरा काउंट किया, थोड़े बहुत हाथ का ही डिफरेंस आता है, महाराज जी ने इसलिए उन हाथों को थोड़ा बहुत छोड़ दिया कि हम सुंदर सा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये जो बीच की संध की जगह आई, ये आई 149 मंदिर की, हर संध 149 मंदिर की आई। और 149, अब एक संध की हम बात करते हैं, सपोज इसकी बात करते हैं, तो 149 मंदिर में हमें एक में 300 चह बच्चों की शोभा मिली। ये दो बनाए हुए ना एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे 300 चह बच्चे हमें यहाँ पर मिले एक संध के बीच में। तो आप बताइए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संधों में कितने चह बच्चे हमें मिल गए, एक संध में 300 चह बच्चे, तो 9 संधों में 300 को 9 से गुना कर लीजिए, 300 × 9 हो गया, 2700 चह बच्चे हमें मिल चुके हैं, ये वाले जो बिल्कुल इस चबूतरा की, इस नहर की स्पेशल शोभा आई है, अति सुंदर। बाकी कितने बचे, क्योंकि टोटल चह बच्चे यहाँ पर 3000 होते हैं ना, तो यहाँ पर 2700 यानी 2700 या
2700 पूरे हो चुके, बाकी बचे 300, तो इधर आधा ही आया ना, आधी सी संध इधर आई है, आधी सी इधर आई है, तो 150 चह बच्चा इधर में और 150 चह बच्चा हमारे पास इधर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 150 और 150 हो गए 300, बीच में हो गए 2700, तो टोटल मिलके आपने जो बिगिनर सुंदर साथ हैं जिन्होंने अभी अभी चर्चनी की तरफ कदम बढ़ाए हैं उनके लिए इतना काफी है, यदि ज्यादा ले पाए तो और अच्छा है, बहुत सुंदर, क्योंकि नए सीखने वाले सुंदर साथ और आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो और मैं मुझे जो मैसेजेस आते हैं वो सुंदर साथ और अच्छे से इन गिनतियों को भी ले पा रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 3000 चह बच्चे यहाँ पर हमें मिले। दे आर नॉट यू नो बहुत ही साधारण मत समझिएगा इनको, एक एक चह बच्चे की महाराज जी ने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ये पुल है ना सुंदर साथ जी, कितना था ये, पौने मंदिर का लंबा पौने मंदिर का चौड़ा, तो ये चह बच्चा कितना है, पौने पच्चीस हाथ का लंबा चौड़ा महाराज जी ने लिखा हुआ है इसको, पौने पच्चीस हाथ का लंबा चौड़ा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये दिल में एक थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि जब इन्होंने जल उछालना है ना तो ये गिनती आपके थोड़ा सा काम आने वाली है वहां पे। तो 24.75 लेंथ, थैंक यू अंजलि जी, बहुत सुंदर। तो 24.75 यानी पौने पच्चीस का लंबा और चौड़ा। अब क्या हुआ ये देखिए, अब इन चह बच्चों के बीच में भी संदेह हैं, वो भी महाराज जी ने लिखा हुआ है। अब ये देखिए, एक चह बच्चे से दूसरे चह बच्चे के बीच की जगह भी उतनी ही है, सेम टू सेम, पौने पच्चीस का लंबा चौड़ा, फिर पौने पच्चीस की जगह छोड़ दी बीच में, फिर पौने पच्चीस का लंबा चौड़ा, फिर पौने पच्चीस की जगह छोड़ दी, फिर पौने पच्चीस का लंबा चौड़ा, फिर पौने पच्चीस की जगह छोड़ दी। इस प्रकार से ये आपको गुमटियां याद है श्री रंग महल की दसवीं आकाशी में, 25 में गुमटी, फिर 25 हाथ की जगह छोड़ दी, फिर 25 हाथ में गुमटी, फिर 25 हाथ की जगह छोड़ दी। याद है ना आपको, आकाशी पर जो गुमटियां आई हुई थी दहलान के ऊपर, तो वहां 25 था, यहाँ पौने पौने आ रहा है, वहां पे एक मंदिर में जल था, यहाँ पौने मंदिर में जल है, तो पौना जुड़ता जा रहा है। इस प्रकार से आपको याद रखना थोड़ा सा आसान होगा। तो अब पहली बार अभी तक जितने भी चह बच्चों का वर्णन हो चुका है, महाराज जी ने पहली बार इन चह बच्चों में आकर वो वर्णन किया कि आफ्टर ऑल मैं सोचा करती थी इन चह बच्चों में जल आता कैसे है, मतलब किस प्रकार की वो शेप अंदर से बनी होती, क्या वो खुला होता है नहर, और ये आपस में कैसे इस नहर से किस प्रकार इन चह बच्चों में जल आ जाता है आपस में। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर बहुत खूबसूरती से इसका वर्णन किया है कि चह बच्चों में सुराख बने हुए हैं नीचे, यानी के होल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू, मतलब पानी के अंदर ही वो सुराखों में से नहर का पानी उन चह बच्चों में चला जाता है। तो वैसे होल्स बने हुए, सोचिए आप जल चबूतरा पर यहाँ पे उतरे हुए हैं और आपको वो होल्स भी, वो सुराख दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार वो जल अटखेली करता हुआ, अटखेलियां करता हुआ नहर में से होता हुआ फिर चह बच्चों में जाता हुआ और इधर उधर उनकी लहरें जाती हुई कितनी प्यारी यहाँ दिखाई देती हुई उन सुराखों में से भी, महीन बहुत ही प्यारी ये शोभा लगी। और अब हम देखते हैं कि ये जो चह बच्चे है ना, इन चह बच्चों का हमने देखा था इधर जो अंदर आए हुए थे किस प्रकार वो अपने जल की लीला यहाँ पर कर रहे थे, तो ये चह बच्चे किस प्रकार के जल की लीला करते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके मैं कोशिश करती हूँ यदि दिखा पाऊँ यहाँ पे, और फिर इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करने की भी कोशिश करूंगी क्योंकि मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं इनको ना थोड़ा सा सुंदर साथ जी बड़ा करती हूँ पहले, ताकि सब सुंदर साथ को केवल वो चह बच्चे दिखाई दें जिन पे हमने अभी जल की लीला यहाँ पे करनी, थोड़ा सा ब्लर्ड होगा थोड़ा सा। ये देखिए अब ये चह बच्चा है ना, कलर चेंज सो दैट वी ऑल कैन सी, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही पांच फव्वारे, इनको थोड़ा बड़ा करके भी ड्रॉ करेंगे, चार दिशा में और एक बीच में। मैं अभी बड़ा करके ड्रॉ करूंगी, डोंट वरी। तो ये जो दिशा वाला है ना, ये तो कहाँ जाता है, अब ये मैं इसका बनाती हूँ ताकि हमें दिख जाए ये दिशा वाला, तो ये मैंने दिशा में नहीं बनाया, दिशा वाला इस दिशा में चला जाता है, ठीक है, इस दिशा वाला इधर भी एक चाहे बच्चा आएगा उसमें चला जाएगा,
ये दिशा वाला क्या करता है? ये दिशा वाला इसी नहर में गिर जाता है क्योंकि इसके आसपास कोई और चहबच्चा ही नहीं है, इसलिए पौने 25 साथ रखा। इधर भी इनको उतनी ही जगह मिली, तकरीबन आप 25 सोच लीजिए, 75 हाथ में जल है ना, तो इधर उछालेंगे तो नहर के किनार तक इनकी वो फुहार बराबर बराबर पहुंच जाएगी, और उस दिशा वाला इस दिशा में डालता है। पर इसमें बड़ी स्पेशल शोभा रही कि आसपास वाले तो चाहे बच्चों में जाकर गिर जाते हैं अपने साथी चाहे बच्चों में, पर इधर वाले जो है ना, ये वाला और ये वाला जो है वो कहाँ गिरता है, नहर में ही जाकर वापस गिर जाता है, और बीच वाला तो होता ही चक्रीदार है। इसको हम लोग एक बार ना बड़ी पिक्चर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट सुंदर साहब, हाँ जी, तो ये देखिए ये किस प्रकार होता है। मैं यहाँ पर हम दो तो छह बच्चे ड्रॉ करें, सबसे पहले थोड़े बड़े, हाँ जी, और एक यहाँ पे, आई होप सेम ड्रॉ हो जाए। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे हम, ये देखिए ये तो हो गए हमारे दिशा के छह बच्चे, इधर भी, और ये हो गए हमारे बीच के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो साथी चह बच्चों की तरफ अपना जल उछाला और उन्होंने इधर उछाला, इन्होंने भी इधर भी साथी, क्योंकि 300 चह बच्चे हैं ना पूरे, तो इन्होंने भी साथियों की तरफ उछाला। अब इधर क्या हुआ, इधर तो यहाँ पे नहर आ गई है, मैं यहाँ पे नहर की लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर जो है, हाँ जी, और ऊपर भी इसी प्रकार, ऊपर भी उतने ही डिस्टेंस आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा, हाँ जी, तो उतने ही डिस्टेंस पे। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने जल उछाला ना, तो इसी नहर में आके गिर गया वापस, यहां से भी और यहां से भी इसी नहर में, और जब इधर से उछाला तो भी इसी नहर में ही वो जल वापस गिर गया। तो कितनी प्यारी, ये तो नहर में ही पड़ता हुआ और इधर वाले साथी चाहे बच्चे की तरफ वो जल जाता हुआ, और ये तो होते ही चक्रीदार है यहाँ पे, ये तो पूरे चक्रीदार इधर उधर चक्री से अपना जल उछालते हुए अंदर ही, तो कितनी प्यारी। और यहाँ पे साइड में इन चाहे बच्चों के सुराख भी आपको 3D में जरूर दिखाई देंगे, तो जल इनमें से बहता हुआ, इन सुराखों में से निकलता हुआ और दूसरे चाहे बच्चा में जाता हुआ, जब ये तो पूरे ही जल से भरे हुए हैं, तो जब जाता हुआ ऐसे दिखाई देता होगा, और इधर पूरी नहर भरती हुई, नहर तो पहले से भरी हुई, तो वो जल की लीला कितनी प्यारी यहाँ पर होगी। सुंदर साहब जी, मुझे बहुत प्यारा लगा जब महाराज जी ने ये वर्णन किया कि किस प्रकार से सुराखों में से वो जल अंदर जाता है, अति सुंदर। तो अब हम चलते हैं सुंदर साहब जी, आशा है आप सबको ये चह बच्चा कितने आए हैं, मैं 2-3 आपसे प्रश्न पूछती हूँ जिससे पता लग जाएगा कि हमारे प्यारे सुंदर साहब जी को समझ में आ गई है या नहीं, और सब सुंदर साहब चैट में जवाब देंगे सुंदर साहब जी। हाँ जी, तो ये बताइए कि इसमें कितने पुल आए हैं सुंदर साहब जी, पहले आड़े चबूतरे में जो कि 3.25 मंदिर का चौड़ा है, वो उसमें कितने पुल आए हैं? बिल्कुल सही, वेरी गुड शिल्पा जी, दीपिका जी, चित्रांशी जी, अरे वाह कितने, दुष्यंत जी, सुषमा जी, सखी जी, बहुत सुंदर उत्तर आ रहे हैं, बबीता जी, सब सुंदर साहब को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, शकुंतला जी, नीलम मिड्डा जी, सरोज दीदी, जितने मुझे दिखाई दे पा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साहब जी। ये देखिए 10 पुल में कितनी संधि आई है, 10 पुलों में कितनी संधि आई है, बिल्कुल सही सुंदर साहब जी, हाँ जी, कितने सारे उत्तर आ चुके हैं, तो इसमें 9 संधि आई हैं, एक-एक संध में कितने चह बच्चे आए हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा और एडवांस्ड रहेगा, तो सुंदर साहब जी अभी हम चैट में जवाब देंगे। एक-एक संध 149 मंदिर की लंबी है, वो क्यों है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, पर एक-एक संध जो 149 मंदिर की लंबी है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं,
306 बच्चे हर एक संध में आए। तो इन 9 संधों में कितने छह बच्चे हो गए सुंदर साथ जी? केवल 9 संधों में कितने छह बच्चे हमें यहाँ पर मिले? हाँ जी बिल्कुल, 2706 बच्चे हमें इन 9 संधों में ही मिल गए। और क्योंकि इधर आधा ही बगीचा बचा था हमारा, आधे से शुरू किया था ना हमने पुल को, आधा बगीचा इधर और आधा बगीचा इधर बचा था। तो इस वाले में कितने आए छह बच्चे सुंदर साहब जी? इस वाली में, इस साइड में ये कितने छह बच्चे आए? हाँ जी बिल्कुल सही, 156 बच्चे इस तरफ और 150 इस तरफ। हाँ जी मेघ सिंह जी, हम आपसे क्लास के बाद आपसे जरूर बात करेंगे, आप अभी लिखकर आंसर दे सकते हैं। सुंदर साहब जी गांव से इतने प्यार से सुंदर साहब जुड़ा हुआ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी मेघ सिंह जी। हाँ जी, तो 156 बच्चे इधर और 150 ही इधर। तो 2700 में जब इन 150 और 150 यानी 300 को हमने ऐड किया तो हमारे पास पूरे 3000 छह बच्चों का सेट बनकर रेडी हो गया। तो मैं एक आपको बताना जो रह गया था, ये देखिए, आपने ये नोटिस किया सुंदर साहब जी, ये पुल की लोकेशन क्या है? ये पुल की जो लोकेशन है ना, ये जो बड़ा बगीचा एक आया था, कितने मंदिर का लंबा चौड़ा था सुंदर साहब जी? ये बड़ा बगीचा कितने मंदिर का लंबा चौड़ा आया था रफली? हाँ जी 150 मंदिर इंक्लूडिंग आधा आधा चबूतरा यदि हम ले तो बिल्कुल एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा आया था ना, उसके बिल्कुल मिडल में इन पुल की लोकेशन आई है। यानी आप श्री रंग महल की परिक्रमा रोंस पर आएंगे तो आप कहाँ से चलकर इन बगीचे में आ सकते हैं? हर बगीचे के मिडल सेंटर पॉइंट पे ये जो रोंस है ना, इनके सेंटर में ये पौने मंदिर का लंबा चौड़ा ये पुल आया है, जिसके थ्रू हम यहाँ अंदर बगीचों में या फिर इन रोंसों के चबूतरों पर आ सकते हैं। तो आधे में आने की वजह से ये आधा बगीचा इधर से छूट गया था ना, तो इसलिए यहाँ 150 आए हैं। जबकि इधर से इन्होंने ये आधा बगीचा लिया, इधर से ये लिया, तो ये तो पूरे 150 मंदिर फिर से तैयार हो गए ना, आधा बगीचा इधर से आधा इधर से, तो 150 मंदिर पूरे तैयार हो गए। उसमें थोड़ी सी जगह इन्होंने ले ली, थोड़े हाथ का डिफरेंस आता है क्योंकि पौना पौना मंदिर है ना, तो आप आधा आधा पुल यदि ले लें तो रफली आप इसको बोल सकते 149 मंदिर यहाँ बचते हैं, बाकी जगह इन पुलों ने ले लिए, इसलिए ये 150 का 149 बन जाता है। रफली आपके दिल में ये शोभा रहे इसलिए, वरना ये बहुत गहराई की बहुत महीन गिनती है। यदि इन संधों के बारे में या कोई और प्रश्न भी हो तो सुंदर साथ कॉल कर सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा गिनतियां इससे भी ज्यादा नहीं बता रही हूं ताकि सुंदर साथ कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ जी, तो अब ये हमें मिल गए, अब ये फव्वारे जो लगे इन छह बच्चों में, ये जो फव्वारे उछल रहे हैं, जो हमने अभी अभी बोला कि एक छह बच्चे से दूसरे छह बच्चे साथियों की तरफ और नहर में ही गिरते हुए वो फव्वारे, उनकी क्या शोभा आई है, किस प्रकार से वो फव्वारे विशेष है सुंदर साजी, ये देखिए। अब आप इन परिक्रमा रोंस पे हैं, हमने क्या उस दिन जब फ्राइडे को क्लास छोड़ी थी तो क्या बात हुई थी सुंदर साहब जी, कि ये आपको दिखाई दे रही है, आप ये बताइए श्री रंग महल की बाहरी हार के जो मंदिर होते हैं उनमें क्या क्या शोभा, हमें ये कौन सी शोभा दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कौन सी शोभा है सुंदर साहब जी, क्विकली चैट में लिखेंगे, ये वाली मैं इसको वो करती हूँ ताकि आपको दिख जाएगी, मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये कौन सी शोभा है, बिल्कुल अति सुंदर अति सुंदर, ये कौन सी शोभा दिखाई दे रही है सुंदर साहब जी, बहुत ही प्यारे उत्तर, ये वाली कौन सी शोभा दिखाई दे रही, गुर्जों की शोभा। और ये कौन सी शोभा, ये बहुत छोटा है, आई डोंट नो आप फोन में देख पाएंगे या नहीं, ये कौन सी शोभा है, ये वाली, ये जो छोटे छोटे बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ये क्या है सुंदर साहब जी, ये बड़े वाले आपने बिल्कुल सही बताया, वो गुर्ज है। हाँ जी ये बड़े वाले गुर्ज हैं, स्क्वायर्स, ये छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे बाहर निकले हुए, ये क्या दिखाई दे रहे हैं मंदिर से बाहर निकले हुए। हाँ जी बिल्कुल सही, ये हैं हमारे प्यारे झरोखों की शोभा। तो पूर्व में श्री रंग महल के पूर्व में जो झरोखे आए थे सुंदर साहब जी पहली भूम में, वो कितने ऊंचे आए थे,
हमारे श्री रंग महल के पूर्व दिशा में, जहां हमने सात वनों से मिलान किया था, ये जो झरोखे आए थे, ये प्रथम भौम में कितने ऊंचे आए थे? बिल्कुल सही सुंदर साहब जी, आपको पता है 200 उत्तर अभी तक हो चुके हैं। मुझे लगता है आज हम 500 का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। तो ये 22 हाथ ऊंचे वहां पर झरोखों की शोभा आई थी। अब यहाँ पर, और आपको याद है श्री बट पीपल की चौकी में प्रथम भौम में यही झरोखे, यानी श्री रंग महल की दक्षिण दिशा के प्रथम भौम के मंदिरों में ये झरोखे कितने ऊंचे आए थे, जहां श्री बट पीपल की चौकी ने मिलान किया था? अति सुंदर, बहुत ही प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। अति सुंदर, वहां भी सेम टू सेम 22 हाथ ऊंचे। वहां मैंने दिल में ऐसे याद भी किया उसको कि वहां 22 हाथ ऊंचे क्यों आए थे, क्योंकि श्री सात वनों के वृक्षों ने, जो भी तीन वन सामने आए हुए हैं इनके, उन्होंने इनसे मिलान करना था। श्री बट पीपल की चौकी के वृक्षों ने इनसे मिलान करना था। यहाँ पर इन झरोखों से मिलान नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये जो वृक्ष आए हैं ना, ये नीचे से प्रथम भौम से नहीं आए हैं, ये वृक्ष अभी अभी उठे हैं श्री फूल बाग से ही। तो केवल ये वृक्ष तीन हाथ ऊपर उठ के इन झरोखों से मिलान नहीं कर सकते, तीन हाथ नहीं तो 6 हाथ, क्योंकि तीन हाथ तो ये चबूतरा ऊपर है, उससे भी तीन हाथ ऊपर ये झरोखे, केवल 6 हाथ उठ के ये वृक्ष मिलान नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये झरोखे यहाँ पर श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में प्रथम भौम के इन झरोखों की विशेष शोभा क्या रही? ये तीन हाथ ही ऊपर आए बाकी भौमों की तरह, जैसे कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भौम में ये झरोखे तीन हाथ ऊपर आते हैं, उसी प्रकार से श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में प्रथम भौम में भी ये झरोखे केवल कितना ऊपर आए? तीन हाथ ऊपर ये झरोखे हमें दिखाई देते हैं, तीन हाथ। आफ्टर ऑल यहां भी 22 हाथ रख देते, मिलान नहीं होना था, परंतु ये तीन हाथ मैंने दिल में इस प्रकार से उसको बसाया भी कि ये तीन हाथ ऊपर पता है क्यों रखे? क्योंकि सामने ये जो फव्वारे उछल रहे हैं ना, उनकी बूंदियां उछल कर इन झरोखों में श्री राज श्यामा जी, श्री सखियां जब बैठती हैं, तो इन फव्वारों से उछलता हुआ वो जल बूंदियों के रूप में उन पर पड़ता हुआ और उनको अति शीतलता प्रदान करता हुआ, सुख आनंद प्रदान करता हुआ, कभी उनके चरणों को छू जाता तो कभी उनके नख को छूता हुआ, अति सुंदर ये जल की यहाँ फव्वारों की शोभा यहाँ पर बहुत प्यारी लगती है। और महाराज जी ने ना इनका वर्णन बड़ा सुंदर किया। अब आपने ये बात नोटिस की सुंदर साहब जी कि ये जो, सपोज आप इस सेक्शन को ले लीजिए, 1 मिनट, आप इस सेक्शन को ले लीजिए, ये जो 300 चेह बच्चे यहाँ पर आए हैं वो किसके सामने पड़ेंगे? 300 चह बच्चे, यानी 150 मंदिर, 150 मंदिर की जगह 149 मंदिर, या 150 मंदिर सामने हैं इनके, उनके सामने 300 चह बच्चे का मतलब क्या हुआ? एक एक मंदिर के सामने दो दो चह बच्चे, रफली यदि आपने याद करना हो ना, तो एक मंदिर के सामने दो चह बच्चे आए हैं। जब आप परिक्रमा रास पे खड़े होकर इस शोभा को दिल में बसाएंगे तो हर एक मंदिर के सामने आपको दो चह बच्चे यहाँ पर दर्शन देते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चह बच्चे मोस्ट प्रोबेबली किनके सामने आए हैं? ये 300 चह बच्चे किसी पर्टिकुलर जगह पे सामने नहीं आए। तो महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा, कहीं तो ये दरवाजे के सामने आ गए, किसी मंदिर का तो सामने दरवाजा पड़ गया, मतलब ये परिक्रमा रौंस के बाद ये दरवाजा पड़ गया, और किसी मंदिर के झरोखे के सामने आ गए, किसी मंदिर की अक्षी मेहराब के सामने आ गए, किसी मंदिर के अक्षी स्तंभ के सामने आ गए। तो क्योंकि 150 मंदिर और 300 ये चाहे बच्चे, तो कहीं मेहराब के सामने, कहीं थंब के सामने, कहीं झरोखों के सामने, कहीं जाली द्वार के सामने, तो कहीं द्वार के सामने। तो ये कितने प्यारे ये लगते होंगे इनमें से फव्वारे चलते हुए, अति सुंदर।
तो ये सब सुंदर साथ को होपफुली क्लियर हो गया कि हमारी प्रथम भूमि के झरोखों का मिलान यहाँ किसी से नहीं होगा, हम वहां बैठकर श्री फूल बाग की शोभा का और इन चहबच्चों के फव्वारों की शोभा का स्पेशली वहां पर विशेष आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। अब क्या मिलान होने वाला है? सबसे पहले हम चलते हैं श्री फूल बाग के वृक्षों की तरफ। अब इन्हीं का थोड़ा सा आनंद हम ले लें सबसे पहले कि कैसे ये चहबच्चे आए हैं। ये देखिए थोड़ा सा 2-3D व्यू से थोड़ा और प्यारा क्लियर होता है। ये है पश्चिम दिशा के हमारे मंदिर, ये हमारी श्री परिक्रमा रॉस, और उसके सामने देखिए ये उछलते हुए ये एक से दूसरे में जाएगा, नहर में गिरेगा। तो चहबच्चों की लीला थोड़ी सी अलग परंतु शोभा बिल्कुल इसी प्रकार की। सामने नहर का चबूतरा आएगा, कितना सुंदर कितना प्यारा ये व्यू इस प्रकार का दिखाई देता हुआ श्री फूल बाग का ये दृश्य। और अभी हम चलते हैं श्री फूल बाग को तीन तरफ से, और श्री बट पीपल को भी इन वृक्षों ने घेरा हुआ था। ये कौन से वृक्ष हैं सुंदर साहब जी? श्री बट पीपल की चौकी की दक्षिण दिशा में भी यही वृक्ष आए हुए थे। कौन से वृक्ष हैं क्विकली सुंदर साहब जी चैट में लिखेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हां जी, तो ये हैं श्री बड़ो वन के वृक्ष। कितने ऊंचे कितनी भूम के ये वृक्ष आए हैं सुंदर साहब जी। शुरू से श्री सात वन से जब से हमने इन्हें देखा है अभी तक की शोभा में कितने ऊंचे ये चल रहे हैं सुंदर साहब जी। पांच भौम छठी चांदनी, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल बट पीपल की चौकी से इधर से आते हुए और फिर हमारे श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा को घेरते हुए और फिर इधर से मोड़ खाकर और इधर घूमते हुए, महाराज जी ने इनका वर्णन इधर से किया है। तो वो कैसे कहते हैं, उत्तर दिशा में श्री फूल बाग की उत्तर दिशा में पांच भौम छठी चांदनी के ये श्री बड़ो वन के वृक्ष, और इधर से इनको इनकी परिक्रमा को इसी प्रकार ये घेर कर आते और फिर आगे, और फिर इस चह बच्चे को घेर कर आके फिर आगे आते हुए। ये कौन से चह बच्चे हैं? ये श्री फूल बाग के अपने पर्सनल चह बच्चे श्री नैऋत्य और वायव्य कोण के, अति सुंदर। तो ये घेर कर ये वृक्ष आते हुए, तो इनमें हिंडोले भी लगे हुए हैं, इनके थड़ भी बिल्कुल 75-25 वैसे ही ऊपर जाते हुए, अति सुंदर ये वृक्ष। तो अब हम चलते हैं सुंदर साहब जी, इन आपको याद है यदि इन वृक्षों की, यदि इन वृक्ष में हैं आप, आपको श्री फूल बाग की पहली भूमि में जाना है तो आप कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे सुंदर साहब जी? श्री बड़ो वन से, चांदनी की बात नहीं कर रही मैं, श्री बड़ो वन की कौन सी भूम से आप श्री फूल बाग की पहली भूम पर जा सकते हैं? हां जी बिल्कुल सही मुकेश कुमार जी, दीपिका दीदी, अति सुंदर। श्री बड़ो वन की जमीन से उठी एक भूम, श्री बड़ो वन की जो जमीन से भूम उठेगी उसके बराबर हमारे नूर बाग आएंगे जो कि ग्राउंड में है पहली भूम में। फिर श्री बड़ो वन की दूसरी भूम और श्री फूल बाग की पहली भूम एकदम बराबर। अब श्री बड़ो वन की दूसरी भूम से श्री फूल बाग की तरफ हमें जाना है पहली भूम में, तो क्या हम सीधे जा सकते हैं या बीच में ऐसा कुछ आता है पुल या ऐसा कुछ आता है जिसको हमें क्रॉस करना पड़ता है? हाँ जी सीपी चुग जी बिल्कुल सही आपने बोला। हाँ जी रीमा मेहता जी, अति सुंदर अति सुंदर। वीना अग्रवाल जी बहुत ही प्यारा छज्जा उसमें एक आता है, क्या वो छज्जा बराबर है? कितने मंदिर का वो छज्जा है? सबसे पहले बताइए कि यहां से इनकी दूसरी भूम से इनकी पहली भूम पर जाना है तो वो छज्जा ये वृक्ष आए हैं यहाँ पर सुंदर साहब जी, यहाँ पर इनकी दूसरी भूम से श्री फूल बाग की पहली भूम पर जाने के लिए इन छज्जे की बात हो रही है। ये छज्जा है जो वो बीच में आते हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है, तो वो छज्जा कितने मंदिर का चौड़ा है सुंदर साहब जी? बिल्कुल सही अंजू दीदी, विजय आंटी, एक मंदिर का ये चौड़ा छज्जा है। क्या ये छज्जे का लेवल दोनों के बराबर है या हमें कुछ चढ़ उतर यहाँ पर करनी पड़ती है?
हाँ जी, तो श्री बड़ो वन से हम तीन सीढ़ी उतरते हैं। ये बहुत ही प्यारा जो नक्शा बनाया है हमारी प्यारी प्रियंका ने, हम उनकी तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर ये हमें उसमें से समझ में आएगा। हाँ जी, तो ये देखिए, ये है हमारी श्री बड़ो वन की दूसरी भौं और ये हमारी श्री फूल बाग की पहली भौं। इनमें से आप तीन सीढ़ी नीचे उतरिए, ये एक मंदिर के छज्जे को क्रॉस कीजिए, पार कीजिए, फिर तीन सीढ़ी चढ़कर इन नहर के चबूतरे पर लैंड हो जाइए, वहां पर पहुंच जाइए, फिर पुल में जाइए, पुल के थ्रू और श्री फूल बाग में पहुंच जाइए। अति सुंदर ये शोभा। और अब ये बताइए सुंदर साहब जी, और ये शोभा ना सब तरफ रहेगी, ना केवल इस तरफ, ये तरफ तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये पश्चिम की तरफ भी यही शोभा रहेगी और इस तरफ यानी के उत्तर की तरफ भी यही शोभा हमारे श्री फूल बाग के। यदि हमने बड़ो वन में इधर जाना हो या इधर जाना हो या इधर जाना हो, सेम टू सेम तीन सीढ़ी ऊपर तीन सीढ़ी नीचे, नीचे उतरिए, छज्जा क्रॉस, फिर सीढ़ी चढ़ के श्री फूल बाग में चढ़ जाइए। अब ये चौथी तरफ कौन सी शोभा आई है, चौथी तरफ क्या होगा, यहाँ पर ऐसी शोभा आखिर क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई सुंदर साहब जी? क्योंकि इस तरफ यानी के श्री फूल बाग के पूर्व तरफ, श्री रंग महल के पश्चिम तरफ ये परिक्रमा रौंस बिल्कुल मिली हुई, बिल्कुल सही दीदी, दीपिका दीदी, मिली हुई, जुड़ी हुई, रेडमी नाम से सुंदर साथ, अति सुंदर। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अक्रॉस आप यहां से जा सकते हैं। अभी आपको याद है यहां पर हमने वृक्ष उठाए थे, कौन से सुंदर साथ को याद है कि ये बड़े बगीचे में यहाँ कितने वृक्ष आए हैं, कौन से सुंदर साथ को याद रखिएगा सुंदर साथ जी? इनके फर्दर पार्ट्स में ये डिवाइड हुए थे जो कि छोटे बगीचे यहाँ पर बन गए थे। मैं आपको ना दिखाती हूँ, तीन तीन थे, मैंने दो ही ड्रॉ किए हैं। ये भी हमारी प्यारी प्रियंका ने बहुत ही प्यारा इनको ड्रॉ किया हुआ है, तो व्हाई नॉट हम उनकी सेवाओं का आनंद प्राप्त करें। हाँ जी, ये है एक बड़ा बगीचा, अति सुंदर, बहुत ही प्यारे उत्तर और बिल्कुल सही, 13 की 13 हारे सही है दीदी। परंतु इस तरफ बड़े बगीचे में, छोटे बगीचे में 13 की 13 हारे परफेक्ट। मैं इन वृक्षों की बात कर रही हूँ, मैं इनको ना ड्रॉ करती हूँ, ये जो वृक्ष आए हैं ना डिफरेंट कलर, यस हाँ जी, तो ये वाले जो वृक्ष है ना पहली हार बड़े बगीचे की बॉर्डर वाली परिक्रमा रौंस से लगती हुई जो ये बॉर्डर वाली हार है ना, ये इनमें कितने वृक्ष हमें मिले, एक बगीचे के 13, तो पूरे बड़े बगीचे के बताइए, ये तो बड़े बगीचे के 4 पार्ट्स हुए ना यहाँ पर और टोटल 16 हुए, रंग महल की दिशा में ये 4 पार्ट्स, तो एक बगीचे में 13, तो 4 बगीचों के लगते हुए यानी एक बड़े बगीचे के, बिल्कुल सही सुंदर साहब जी, 13 13 13 और 13 यानी 13 × 4 यानी कि 52 वृक्ष हमें यहाँ पर उनसे बिल्कुल लगते हुए मिले। तो मैं किन की बात कर रही थी सुंदर साहब जी, आपको समझ में आया ना? तो ये एक बगीचे की बात हो रही थी यहां पर, जो बिल्कुल बगीचे के अंदर वृक्ष आए हुए हैं यहां पर, यहाँ पर 52 वृक्ष हमें मिलते हैं यहाँ पर। आपको याद है हमने यहाँ की किनार पर भी एक वृक्ष किए थे, वो केवल तीन तरफ आए हैं क्योंकि उन्होंने बड़ो वन से मिलान करना है। तो ये वृक्ष जो है ना 52 52 हर बगीचे के, 52 इसके बाहर, 52 इसके बाहर, तो 10 बगीचों के 520 जो बाहर किनार पर वृक्ष आए थे ना, उन्होंने बड़ो वन से मिलान करना था, तो केवल तीन तरफ वो वृक्षों की शोभा थी, इस तरफ और इस तरफ, पर इस तरफ वो किनारे वाले वृक्ष नहीं आए हुए। ये परिक्रमा रौंस का रास्ता उधर से थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, तो मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर वो वृक्ष जो है वो नहीं आए हुए हैं, यहाँ पर किनार पर वो वृक्षों की शोभा नहीं आई हुई, तो हमें कौन से वृक्ष, क्लोजेस्ट वृक्ष हमें कौन से मिले? श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस, ये श्री रंग महल की परिक्रमा रौंस के पास क्लोजेस्ट वृक्ष हमें कौन से यहाँ पर मिलते हैं? हाँ जी,
सुंदर साहब जी, क्लोजेस्ट वृक्ष हमें कौन से मिलते हैं? हाँ जी, ये जो बगीचे के अंदर है ना, ये देखिए, ये बगीचे के अंदर जो पहली हार है ना, यानी कि 52 इनके, 13 13 13 13 छोटे बगीचे हो गए, 52 इनके, 52 इनके, तो कितने बगीचे हैं? ये 10 बगीचे हैं। तो कितने वृक्ष हैं जो परिक्रमा रॉस से क्लोजेस्ट हैं? ये वाले कितने वृक्ष हुए? ये सारे मिलाकर कितने वृक्ष हो गए? क्योंकि 10 बगीचे हैं और 10 में 52 52 वृक्ष बगीचे में अंदर। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ वो कहाँ है। तो 52 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गए हमारे 520 वृक्ष। मैं मोटे मोटे यहाँ ड्रॉ करती हूँ ताकि सुंदर साथ को दो ही करूंगी यहाँ आए, तो यहाँ पे 52 है, तो यहाँ पर लगते हुए नहर के चबूतरे से लगते हुए बगीचे में वो पहली हार वृक्षों की, ये वाली, ये जो वृक्ष है ना, ये जाकर मिलान करने वाले हैं, इसलिए इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 520 वृक्ष जो हैं वो श्री रंग महल से जाकर मिलान करने वाले हैं। अब सोचिए, उन्होंने झरोखों से तो मिलान किया नहीं है, तो कहाँ मिलान करेंगे जाके? पहले तो ये सुंदर साथ बताएंगे कि ये जो वृक्ष हैं ये कितने ऊंचे आए हैं, ये जो वृक्ष हैं रफली बताएंगे, रफली, ऐसे नहीं कि 44 44, नहीं वैसा नहीं, रफली कितने ऊंचे आए? एक बहुत ऊंचे आए हैं ये। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हर वृक्ष ये वैसे 47, इसमें थोड़े से तीन हाथ एडजस्ट होते हैं जो नीचे से कम उठा था ना, तो ये जो है थोड़े वृक्ष और लंबे जाते हैं तीन हाथ, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। एक बोम के ऊंचे वृक्ष, अब यहां से वृक्ष उठा दीजिए, एक बोम ऊंचे चले गए तो वो श्री रंग महल की किस बोम की बराबरी पर आकर रुके? एक बोम, ये ऑलरेडी हम कहाँ पे हैं? श्री रंग महल के चबूतरे से लगे हुए हैं। एक भूम यदि ये वृक्ष ऊंचे जाएंगे तो श्री रंग महल की कौन सी भूम से जाकर इनका मिलान होगा? हाँ जी बताइए, बिल्कुल सही सुंदर साहब जी, क्योंकि एक भूम रंग महल की भी उधर उठ जाएगी, मंदिरों की, एक भूम इन वृक्षों की भी उठ गई, तो इन वृक्षों ने जाकर श्री रंग महल की दूसरी भूम शुरू होती है ना जहां पर, यानी पहली भूम की छत कहें या दूसरी भूम का छज्जा जो बाहर निकला हुआ है, श्री दूसरी भूम का जो छज्जा है वो बाहर निकला हुआ है, उससे इन्होंने जाकर मिलान किया है। दूसरी भूम के छज्जे के साथ जाकर ये वृक्ष हमारे, क्योंकि छज्जा भी उतना ही ऊपर और ये वृक्ष भी उतने ही ऊंचे हैं, तो दूसरी भूम का छज्जा सुंदर साथ लिख कर बताएंगे कि कितना चौड़ा था। आप सबको याद है, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, वो सेम ही रहे हैं अभी तक। दूसरी भूम के जो श्री छज्जा हैं वो कितने चौड़े हैं? अरे वाह मेरे प्यारे सुंदर सार, कितने अति सुंदर, परफेक्ट, करेक्ट आंसर्स आप एक सेकंड में, फ्यू सेकंड्स में भर जाता है, फ्लड आ जाता है राइट आंसर्स का, अति सुंदर। हां जी लता दहल जी, गीता दीदी, बहुत ही प्यारे प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। तो ये वृक्ष उस छज्जे के साथ जाकर मिलान करेंगे। पता है इनका मिलान करने के लिए ना सुंदर साहब जी, कभी कभी ऐसा होता है कि गिनतियां पढ़कर मैं समझ के उसको छोड़ देती हूँ कि ये मेंशन नहीं करूंगी कि सुंदर साहब को कंफ्यूजन नहीं हो, तो समझ में आ जाए, बट आई विल नॉट मेंशन दोस। पर इसमें ना एक बड़ी प्यारी गिनती रही, मैं खुद उसमें करीबन 2-3 दिन अटकी रही, उसको पढ़ती रही, ये क्यों लिखा महाराज जी ने इतना। कई बार दिल वहां अटक जाता है, तो जहां अटक अटक जाता है वो गिनती मैं आपसे जरूर शेयर करती हूँ कि मुझे समझने में, क्योंकि बाकी गिनती आप भी पढ़ेंगे ना, यदि आपको इंटरेस्ट हो आपको समझ में आ जाएगी। तो जिसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत या थोड़ा सा लेट समझ में आता है तो वो मैं जरूर शेयर कर देती हूँ कि सुंदर साथ को इतने दिवस उसमें लगाने पड़े। तो आप ना एक बात बहुत सोच के बताइएगा, ये वृक्ष और जो सुंदर साथ ने वृत्त पढ़ के वो करी हुई है वो आंसर नहीं देंगे, क्योंकि बाकी सुंदर साथ को मौका देंगे। ये वृक्ष जो हैं मुझे बताइएगा, यहां से पहले बताइए कितनी दूर है, सिर्फ परिक्रमा रॉन्स से बताइए कितनी दूर है। अभी हम इसी भूम पे हैं, श्री फूलबाग की पहली भूम पे, तो ये जो वृक्ष है ये हमारी परिक्रमा रॉन्स से कितनी दूर है? ये तो इजी है, ये सबको आता होगा सुंदर साहब जी।
हमारी परिक्रमा रोज से ये वृक्ष कितनी दूर है, यानी कि ये परिक्रमा रोज का ये जो मंदिर की हार, हाँ जी परिक्रमा रोज से बिल्कुल सही, 3.25 मंदिर परिक्रमा रोज के इस किनार से दूर है, मंदिर बाहरी हार मंदिर से ये वृक्ष कितनी दूर है। अति सुंदर, आपने पहले ही वो बात समझ ली कि मैं क्या पूछ रही हूँ, आपने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, क्योंकि 3.25 मंदिर का तो ये चबूतरा है, 1 मंदिर की परिक्रमा रोज है, तो टोटल कितना हो गया ये 4.25 मंदिर। ये समझ में आता है ना, तो नेक्स्ट आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा सुंदर साहब जी। तो ये जो दूरी है, यानी श्री रंग महल की बाहरी हार के जो मंदिर है उनकी बाहरी दीवार की इस वृक्ष से जो दूरी है वो है 4.25 मंदिर की। क्यों 4.25 है सुंदर साहब जी? क्योंकि 3.25 मंदिर का ये चबूतरा और 1 मंदिर की ये येलो कलर की परिक्रमा रोज, दोनों को ऐड कर दीजिए, बन गए 4.25 मंदिर। अब इन वृक्षों की भौम उठाइए, इन वृक्षों को एक भौम ऊंचा कर दीजिए। अब इन्होंने मिलान बाहरी हार से नहीं करना, मुझे ये बात बड़ी लेट समझ में आई, आपको, आप बहुत प्रबुद्ध हैं, आपको बड़ी जल्दी ये समझ में आ जाएगी सुंदर साहब जी। इन्होंने मिलान किससे करना है? जाके छज्जे से, और छज्जा जो है हमारे प्यारे छज्जा, बिगिनर सुंदर साथ इसको ऐसे ही याद करेंगे कि ये वृक्षों ने 4.25 मंदिर का छत्री मंडल डालकर हमारे श्री रंग महल से मिलान कर लिया है। वेरी इजी टू रिमेम्बर टू अंडरस्टैंड, तो समझने के लिए, याद करने के लिए आसान, 4.25 मंदिर का छत्री मंडल डालकर उन्होंने मिलान कर लिया। परंतु जो सुंदर साथ पहले से सीख रहे हैं उनको इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्या इंटरेस्ट आएगा कि ये थे तो, मैं इसको ना लिख कर बताती हूँ ताकि, वेरी गुड दुष्यंत जी, अमेजिंग, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ जी मुझे पता है ये और भी कौन कौन से सुंदर साथ को ऑलरेडी आता है, तो मैं आपको ना ये लिख कर बताती हूँ कि ये बना कैसे आफ्टर ऑल। अति सुंदर, बहुत ही प्यारा सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारे उत्तर आ रहे हैं। तो हमारे पास कितने थे मैं आपको बताती हूँ, 3.25 मंदिर थे ना, तो ये देखिए पहले तो 3.25 मंदिर, यानी 2 3/4 भी लिख सकते हैं, 2.75 भी लिख सकते हैं, उसमें 1 मंदिर की परिक्रमा रोज जोड़ दीजिए तो बन गए हमारे 4.25 मंदिर। 4.25 कहिए या 3.75 कहिए, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, तो जिसको डेसिमल में समझ आती हो या फ्रैक्शंस में, दोनों तरह से हमने समझ लिया। अब इसमें से 4.25 मंदिर में से 33 हाथ का, यानी इसको मैं फिर से लिखती हूँ सुंदर साहब जी, 4.25 यानी 3 मंदिर और 75 हाथ, ठीक है, इसमें से आप 33 हाथ का छज्जा माइनस कर दीजिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ है, तो 75 हाथ में से 33 हाथ माइनस करेंगे तो क्या बन गया, ओनली 40। ये बहुत बहुत ट्रिकी है, डोंट वरी, ये याद नहीं करना, पर ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जो कि समझने में थोड़ा समय लगा कि महाराज जी ने एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने सीधा लिख दिया 3 मंदिर 42 हाथ, तो मुझे फाइंड करने में थोड़ा समय लगा कि ये आफ्टर ऑल इस प्रकार का बना कैसे। तो आपको तो बड़ी जल्दी ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे सुंदर साथ जी कि ये किस प्रकार से हमारे पास इतना 3 मंदिर 42 हाथ, ये क्वेश्चन क्विज में हम सुंदर साथ नहीं पूछेंगे, इतनी गिनती में हम नहीं जाएंगे, बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि कितना महीन महाराज जी ने इसका वर्णन किया हुआ है। केवल मैंने, आप वृत्त जरूर पढ़िए सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आएगा, एक बार बैठेंगे ना उठने की इच्छा नहीं होगी कि बैठे ही रहें और उनको पढ़ते ही रहें। तो ये जो वृक्ष आए थे जो हमने अभी अभी बात की, थोड़ा सा समय मैं और लूंगी, थोड़ा सा शुरू करने में हम लेट हुए थे, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो वृक्ष थे इनकी एक भौम आपने ऊपर उठाई और इन्होंने कितना आगे जाकर, रफली 4.25 मंदिर आगे जाकर ये जो छज्जा साहब हमारे यहाँ पर ऊपर आएंगे ना, जो 33 हाथ ऑलरेडी आगे बढ़े हुए हैं, 33 हाथ, उनसे जाकर इन वृक्षों ने अपनी
डालियां डालकर सीधी, कोई 22 सीढ़ियां नहीं, क्योंकि हमने 22 पे मिलान ही नहीं किया, यहाँ पे 22 हाथ ऊंचा, तो डायरेक्ट सीधा छत्री मंडल इन्होंने वहां पर जाकर डाला, स्ट्रेट उस पे चल सकते हैं आप, भाग सकते हैं। अब मुझे सुंदर साहब जी ये बताएंगे, हमारी श्री फूलबाग की जो है वो दो भौम तीसरी चांदनी आई है, पर जो ग्राउंड बिल्कुल पहली भूम है वो श्री नूरबाग ले चुके हैं, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। तो श्री फूलबाग ऑलरेडी दूसरी भूम से शुरू है, तो एक भूम आई, इन वृक्षों ने किनसे मिलान किया, दूसरी भूम के छज्जों से। अब एक और भूम श्री फूलबाग की उठेगी, दूसरी भूम जो इनकी उठी, तो इन्होंने किससे मिलान किया, उनके वृक्षों ने तीसरी भूम के छज्जे से जाकर मिलान किया। श्री फूलबाग की दूसरी भूम, क्योंकि जमीन से ये तीसरी ही है ना, तो आप ये बताइए श्री फूल बाग की दूसरी भूम के वृक्ष उठकर तीसरी चांदनी पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने श्री रंग महल की तीसरी भूम के छज्जे से मिलान कर लिया जाके। अब जो तीसरी भूम चांदनी पे आ जाइए आप, ये तीसरी भूम का वो मिलान तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है जो नीचे हुआ था। अब सोचिए हम चांदनी पर पहुंच चुके हैं, श्री फूल बाग की चांदनी पर, इस प्रकार की दूसरी भूम में भी और चांदनी तीसरी चांदनी पर भी नहरें चहे बच्चे नहीं आए, केवल वृक्षों की शोभा वहां पर हमें दिखाई देती है। हर वृक्ष में सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में से चढ़ के आप श्री फूल बाग में जा सकते हैं उनकी चांदनी पर। सबसे पहले सुंदर साथ बताएंगे श्री फूल बाग की चांदनी जो होगी इस तरफ से कितनी लंबाई उनकी होगी, इस तरफ से चौड़ाई कहें, इस तरफ से सेम ही होगी, इस तरफ से क्या उनका डायमेंशन, उनकी मेजरमेंट रहेगी, इस तरफ से क्या मेजरमेंट उनकी रहेगी। हाँ जी सुंदर साहब जी, ये 1500 मंदिर के तो लंबे थे, आपको याद है ये एक-एक मंदिर का छज्जा भी डल चुका है, तो ये पहली फूलबाग की पहली भूम में तो वो छज्जा है, पर उसके ऊपर वाली भूम में छज्जे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छत प्रॉपर उठाई गई है 100-100 हाथ पे, तो उन्होंने सीधा बड़ोवन के वृक्षों से मिलान किया, तो इसलिए 1500 मंदिर श्री फूलबाग के, एक मंदिर इधर के छज्जे का भी इनको मिला, एक मंदिर इस तरफ के छज्जे का भी इनको ही शोभा प्राप्त हुई, क्योंकि ये इन्हीं की छत से, श्री नूर बाग की छत से या फूल बाग की जमीन से ही निकला हुआ ये छज्जा है, तो ये इन्हीं में काउंट होगा, तो ये होगा पूरी यहां से यहां तक कितनी हो गई, 1502 मंदिर। हाउ, कैसे बने ये 1502 मंदिर, वो मैं आपको सुंदर साथ जी को ड्रॉ करके बताती हूँ। तो यहां से लेके यहां तक ये रेड कलर आई होप कि दिखाई दे रहा होगा मेरे सुंदर साथ को, मैं एक बार व्हाइट से भी ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक तो पूरा कितना रहा हमारा, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हम इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, हाँ जी, क्योंकि फूलबाग की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, 1500 बाय 1500, तो ये तो हमारे हो गए 1500 मंदिर। अब एक मंदिर इन छज्जे ने लिया, एक मंदिर इन छज्जे ने भी लिया, तो दोनों को आसपास के दोनों छज्जे मिलाकर ये कितने बन गए, 1502 मंदिर की इनकी चांदनी हो गई। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि इस तरफ से कितनी होगी, इस तरफ से मैं एक लाइन लगाती हूं, यहां से इस तरफ से कितनी होगी ये, और आगे ये भी पूरा, यानी पूरा यहां तक कितनी होगी। हां जी ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी, मेरे दिल में भी चल रहा था, ये तो हो गए 1500 मंदिर पूरे, यानी के सॉरी यहां से लेके पूरी 1500 मंदिर की लंबाई, इधर एक मंदिर का छज्जा हो गया 1501,
परंतु इधर की भी तो एक मंदिर आप काउंट कर लीजिए ना, इधर भी वो आगे तो चले गए, हालांकि रफली उतना ही पड़ेगा कि वो 67 हाथ आगे जाएंगे सिर्फ, क्योंकि 33 हाथ का उनको छज्जा मिल जाएगा। तो टोटल महाराज जी ने करके 1502 ही लिख दिया इसको, क्योंकि इस तरफ तो छज्जा मिल गया उनको चांदनी में ऊपर, छज्जे के ऊपर की जगह, और इस तरफ उनको श्री परिक्रमा रोंस के ऊपर भी उन्होंने छत्री मंडल डाला हुआ है। ये बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साहब जी इस बात को, कि श्री परिक्रमा रोंस से आप छत्री मंडल से होकर ही तो परम श्री रंग महल की तीसरी भूमि में जाएंगे। तो रफली तो आप बोल सकते हैं एक मंदिर इधर से, एक मंदिर परिक्रमा रोंस का इनको मिल गया, छत्री मंडल डाल दिया, रफली 1502 मंदिर। पर यदि एग्जैक्टली करना हो तो 33 हाथ का तो छज्जा पहले ही निकला हुआ था, इन्होंने तो 67 हाथ ही आगे बढ़ाए थे, तो 1501 मंदिर और 67 हाथ यानी 67 हाथ आगे जाकर। पर हम रफली ऐसे याद करेंगे 1502 मंदिर इधर से, 1502 इधर से क्यों हुए इधर से, छज्जा तो सबको पता लग गया कि छज्जे के ऊपर भी हमारा मिलान ऊपर बड़ो वन के वृक्षों से होगा। एक मंदिर इधर इधर कैसे मिला, ये सुंदर साथ को फिर से रिपीट करते हैं। ये एक मंदिर यहाँ जब आप श्री फूल बाग की चांदनी पर पहुंच चुके हैं, तो ये जो बिल्कुल क्लोजेस्ट इनके ट्रीज आए हैं, वृक्ष आए हैं, उन्होंने अपनी इधर छत्री मंडल बढ़ाया है सुंदर साथ जी। तो उन्होंने वो एक मंदिर परिक्रमा रोंस के ऊपर भी छत्री मंडल से उसको कवर कर लिया है। तो रफली आप इनको एक मंदिर इधर से लेंगे, एक मंदिर छज्जे की तरफ से, तो 1502 मंदिर यहां भी मिले, और 1502 उत्तर से दक्षिण, 1502 पूर्व से पश्चिम। और यदि सुंदर साथ एग्जैक्टली करना चाहते हैं तो इन्होंने छत्री मंडल तो डाला, केवल छत्री मंडल इन्होंने डाला 67 हाथ का। क्यों 67 हाथ का, क्योंकि 33 हाथ का ऑलरेडी छज्जा उनका बड़ा हुआ था। तो 1501 मंदिर 67 हाथ बहुत डीप में जाएं तो कर सकते हैं, परंतु क्विजेज में या कोई भी प्रश्न प्रश्नोत्तरी में पूछे जाएंगे तो हम इनको केवल 1502x1502 करके ही पूछेंगे। तो सुंदर साथ को इनकी चांदनी की जो डायमेंशन रही वो इतनी रही, तो सुंदर साथ को सरलता से ये समझ में आ जाएगा। अब क्विकली सुंदर साथ जी ये बताइए, केवल 3-4 मिनट्स हैं हमारे पास, कि ध्यान से सोचिएगा अपने दिल में इनको, कि यदि हम श्री फूल बाग की चांदनी पर आना चाहते हैं श्री रंग महल से, तो कौन सी भूमि से आएंगे। श्री फूल बाग की दो भूम तीसरी चांदनी है, तो श्री रंग महल की कौन सी भूम से हम श्री फूल बाग की तीसरी चांदनी पर आ सकते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं, अति सुंदर। सुंदर साहब जी थोड़े और लिख दीजिए, 4 मिनट बचे, 475 उत्तर हो चुके हैं हमारे पास, 500 का रिकॉर्ड ब्रेक कर दीजिए आज। अति सुंदर, तीसरी भौम से, श्री रंग महल की तीसरी भौम से हम श्री फूल बाग की तीसरी चांदनी पर ही आ सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर चल रहे हैं। श्री रंग महल की पहली भौम से फूल बाग की पहली भौम पर आ सकते हैं, श्री रंग महल की दूसरी भौम से श्री फूल बाग की दूसरी भौम पर आ सकते हैं, श्री रंग महल की तीसरी भौम से हम श्री फूल बाग की तीसरी चांदनी पर आ सकते हैं। वो भी तीसरी भौम हो सकती थी यदि उसके ऊपर एक भौम बन जाती, पर वो खुली है तो उसको चांदनी कहते हैं। अब ये बताइए कि तीसरी भौम की स्पेशलिटी क्या रही। 492 उत्तर हो चुके हैं, रिकॉर्ड ब्रेक करना है सुंदर साहब जी। तीसरी भूम की स्पेशलिटी क्या रही हमारी श्री रंग महल की तीसरी भूम में, क्या विशेष शोभा हम सब सुंदर साथ ने समझी थी। अति सुंदर, बहुत ही प्यारे उत्तर, एंड द 501 इज आशीष लैपटॉप था बाय चांस, 500वां उत्तर उन्होंने दिया। वेरी गुड सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारे, वाओ, 511 उत्तर हमारे पास हो चुके हैं, अति सुंदर।
तो तीसरी भूमि की पड़साल में आप वहां पर भोजन कीजिए, और उसके बाद सखियां क्या करती हैं, भोजन से पहले नाश्ते के बाद लीला जो करती हैं, वनों में जाती हैं, घूमने जाती हैं। तो आप आ जाइए तीसरी भूमि से, सीधे चलते चलते आ जाइए श्री फूल बाग में, और वहां रमण कीजिए, इन झरोखों में बैठकर इन फव्वारों का आनंद लीजिए, या फिर इन चबूतरों पर रमण कीजिए, या यहाँ जो फव्वारे बड़े स्पेशल चलते हैं ना, वहां पर आकर कुर्सियां लगी हुई हैं सुंदर साज जी, उन कुर्सियों पर बैठकर उन रमन कीजिए कि किस प्रकार कोने के कोने में डलते हुए बाकी नहरों में बीच के चक्रीदार अति सुंदर। टोटल उत्तर हमारे पास आए 516 उत्तर, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा पार्टिसिपेशन, और सुंदर साज जी बहुत ही सुंदर एक और सेशन रात को 8 से 9:30 बजे चलता है, उसको भी इसी आईडी पर, उसको भी जरूर जरूर अटेंड कीजिए। हमारे युवा सुंदर साथ, हमारे अशोक जी इतनी सुंदरता से, सरलता से, सौम्यता से, अपनी वाणी से एक इतनी गहरी बात इतनी सौम्यता से आपके दिल में उतार जाते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि वो बात मेरे दिल में घर कर चुकी है। तो उसको भी जरूर अटेंड कीजिए। हमारे यंग टैलेंटेड सुंदर साथ जी जो हैं, उनको सुनिए, अंदर अपने अंतर मन को से उनसे प्रेरणा लेकर अपने अंतर मन को उस सकारात्मकता से भर दीजिए, और देखिए कैसे अंदर परिवर्तन आने लगता है सुंदर साथ जी। इसी के साथ आप सबके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। एक और बड़ी विशेष जिसको शेयर करने से मैं रह नहीं पा रही हूँ, ये देखिए श्री सात वनों की शोभा, इस बार इनका सेवा किसने की है सुंदर साथ जी, लिखने वाली तो वही है सेम टू सेम हमारी प्रभा जी जालंधर सुंदर साहब। आपकी सेवा को, चाहे वो मेरी मम्मी है, यदि वो मेरी मम्मी नहीं भी होती तो भी सेवा को कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ के नाते इतनी मेहनत वो करती हैं सुंदर साथ जी लिखने में, कितनी बार फोटो शेयर करती हैं, मैंने ये लिख दिया, ये रफ हो गया, अभी मैंने फाइनल कर दिया, फिर उसको फाइनली चेक करती हैं, फिर भेजा जाता है। इस बार किनको भेजा गया सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी अनु, अनु जो कि क्विज की सेवा भी करती हैं। ये पूरा देखिए कितने प्यारे प्यारे उन्होंने आइकन्स भी लगाए, नारंगी जैसे, बट जैसे, और मुझे ये इतना प्यारी शोभा लगी कि सात वन है तो उन्होंने सारे वृक्षों से इनको सुशोभित किया। ग्रीन कलर के वन होते हैं तो पीछे भी ग्रीन कलर उन्होंने दिया, और ये नक्शे लगाने की सेवा, यानी नोट्स को लिखने की सेवा प्रभा जी की, उनको टाइप करके उनको ये कलर और ये डिजाइन से सजाने की सेवा अनु जी की, और ये नक्शे ढूंढ कर लगाने की सेवा, ढूंढने में तो मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी, पर इनको अति सुंदर लगाने की सेवा हमारे प्यारे आशीष जी की। ये देखिए अति सुंदर ये नोट्स बनकर तैयार हुए, एक ग्लिम्प्स आप इनका ले लीजिए। सब सुंदर साथ हमेशा ही सुंदर साथ को आशीर्वाद और प्रेम बांटा करें, सेवा करने वाले सुंदर साथ को। ये देखिए अति सुंदर, फिर से चेकिंग होती है सुंदर साथ जी, उसके बाद भेजा जाता है ऑडियो के लिए। देखने में बहुत आसान लगता है पर बहुत दिन लग जाते हैं ये नोट्स बनाने में, क्विजेस बनाने में, कितनी टाइप्स की उनकी चेकिंग होती है। और इस बार पहचानिएगा कौन सी प्यारी सुंदर साथ की ये आवाज है, 1 मिनट। इस बार ये लिंक लगाने की सेवा भी हमारे आशीष जी ने की है, बस फ्यू सेकंड्स वेट कीजिएगा सुंदर साथ जी। हां जी आ रही है, तो ये पहचानिएगा सुंदर साथ जी अति मीठी कौन सी सुंदर साथ है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आइए श्री राजी महाराज के साथ सात वनों की सैर को चलते हैं। श्री सात वनों की शोभा। श्री रंग महल की पूर्व दिशा में वनों की अति सुंदर शोभा आई है। तीन वन जो पूर्व की दिशा 1500 मंदिर मध्य में आए हैं, वो है अमृत वन। इसके उत्तर में अनार वन
और दक्षिण में जांबू वन आया है। फिर अनार के उत्तर में लिबोई और केल वन तथा जांबू के दक्षिण में नारंगी और बट वन आए हैं। बट वन की ही जगह में कुंज निकुंज वन शुरू हो जाते हैं। अनार, अमृत और जांबू वन की पश्चिम दिशा में रंग महल के भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ। हां जी सुंदर साथ जी, आपने सुना ना कितना प्यारा, कितना प्यारा श्रुति जी ने बोला, ये अति सुंदर, आपने बिल्कुल सही समझा हमारी प्यारी श्रुति। देखिए कई सुंदर साथ ने प्रियंका जी भी लिखा है, दोनों कजिन्स हैं, दोनों बहने हैं, इसीलिए तो मिलती है उनकी आवाज। अति सुंदर श्रुति जी की मीठी प्यारी आवाज, अति सुंदर सेवा, उन्होंने रिवीजन करवाई, क्वेश्चन आंसर्स पूछे। और ये देखिए सुंदर साथ जी बहुत बिजी होते हैं, वो टीचर भी हैं, घर भी संभालती हैं, पर ये सेवाओं में हर दम उनका हाथ हमेशा राजजी महाराज खड़ा ही रखते हैं, क्योंकि अंदर से सेवा भी पिया ही कर रहे हैं। आप सब सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आप ये भूल ना जाइएगा कि मैं पहली बार सीख रही हूँ, एब्सोल्यूट बिगिनर होते हैं ना वही सुंदर साथों में, यदि शोभा में या गणना में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, अपने आशीर्वाद अपना प्रेम बस यूं ही लुटाते रहिएगा, आपसे यही प्रार्थना। और मुझे गाइड भी करते रहिएगा कि यहाँ पर ये गलती हुई है, उसी समय मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो सुंदर साथ जी तक बिल्कुल करेक्ट, शोभा बिल्कुल करेक्ट यदि गिनती भी बताई जा रही है तो वास्तविकता को लाना है, ना कि ये कि आप सब सुंदर साथ मुझे गाइड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा होगा, जहां भी आपको लगे कि यहाँ कुछ ठीक होना चाहिए। तो आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इसी के साथ एक प्यारा सा जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी और चलते हैं अपनी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हां जी हां जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी शकुंतला जी आप चौपाई पढ़ेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। एठौर नाराज में नरज में लीजिए लगने न दीजिए पल, कौल फेल या हाल सो देख घासी असल, श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 33 हे साथ जी मूल मिलाओ की और अपने दृष्टि कीजिए, इस महान कार्य में अब एक पल की भी देरी न कीजिए, अपने कथने करने या रहने की दृष्टि से मूल मिलाओ में सिंहासन पर विराजमान श्री राज्य की वास्तविक हंसी को देखिए कि एक किस प्रकार हमारी भूलों पर हंसी कर रहे हैं। भावार्थ हमारे मुख से निकले हुए शब्दों में जब केवल सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी ही होते हैं तो इसे कथनी की दृष्टि से देखना देखना कहते हैं। चितवनी में युगल स्वरूप को लक्ष्य करना करने की दृष्टि से देखना है तथा प्रेममय चितवनी की गहन स्थिति में युगल स्वरूप के तल को देखिए ना शब्द मुस्कुराते हैं मुखार बिंद को देखिए ना प्रेममय चितवनी की तल को देखिए ना युगल स्वरूप के मुस्कुराते हुए मुखार बिंद को देखना रहने की दृष्टि से देखना कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो आप बोलो। ये ठौर नजर में लीजिए लगने ना दीजिए पल, कौल फेल या हाल सो देख हकासी असल। हम सुंदर साथ जी ने हमले नजर में श्री राज जी को
राज्यलाई देख्ना है, हामीले हाम्रो हाम्रो नजरमा राज्यको राख्ना है, राज्यको नजरमा हाम बस्ना है, हामी बोले ना याद आप नेपाली में बोलो, कोई बात नहीं। राज्य राज्यको नजरमा हामी बस्न चाहिए, राज्यले जस्तो हामीलाई राख्नुहुन्छ, जुन बेला पल पलमा हामी राज्यसँग बस्न चाहिए, कौल फेल आइहाल, हामी कस्तो पलमा कस्तो हालमा जस्तो सुकै फेल हाल भए पनि हामी राज्यसँग टाढा नभइकन बस्न चाहिए, देख हक हाँसी असल, हामी यो हाँसीको खेलमा आएका छौँ, हाँसीको खेलमा जस्तो भए पनि हामीले राज्यलाई बिर्सिनुहुँदैन, राज्यसँग हामी नजिक हुनुपर्छ, अनि हाम्रो मुख से निकालिने शब्द जब के भयो, हामीले राज्य श्यामजी राज्य श्यामजीलाई चितवनीद्वारा हामीले हाम्रो पिया राज्यलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, राज्यकै दृष्टिमा हामी बस्नुपर्छ। प्रणामजी प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपकी बात समझ में आ गई है। सब सुंदर साथ को आई होगी, बहुत प्रेम से उन्होंने समझाया। एक ठोर नजर में, थोड़ी सी एक शब्द कम है वो ठीक कर लेंगे। एक ठोर नजर में लीजिए, लगने ना दीजिए पल, कौल फैल या हाल सों, देख हक हाँसी असल। और सुंदर साथ भी बोलेंगे, दीपिका आप बोलो। इसमें बहुत गहराई छुपी हुई है, अंदर की बात। प्रणाम जी, एक ठोर नजर में लीजिए, लगने ना दीजिए पल, कौल फैल या हाल सो, देख हक हाँसी असल। पल पल सुंदर साची, हमारी नजर मूल मिलावे में रहनी चाहिए, हर समय हमारी दृष्टि में, हमारी नजर में मूल स्वरूप मूल मिलावे में बैठे राज श्यामा जी, सिंहासन पर विराजे पिया जी, उन पर ही हमारी पल पल वो ही शोभा रू निरखती रहे। कौल फैल या हाल सो, हमारी कथनी कहनी रहनी, जो भी हम कह रहे हैं वो ही हमें अमल में लाना है, यानी कि हमें रहने में वही लाना है। यदि हम कह रहे हैं हमारी नजर वहां रहनी चाहिए, तो हमारी नजर को वहां पर होना ही चाहिए। हमें हर पल यही कोशिश में रहना चाहिए, हर पल यही प्रयास करना चाहिए, दिन में उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, हर पल हमारी नजर धनी के चरणों में, धनी के श्रृंगार में, धनी के वस्त्राभूषणों में, धनी के चरण कमल, धनी का मुखारविंद, हर समय हमारी नजर वहीं रहनी चाहिए। देख हक हाँसी असल। दीदी इसको आप क्लियर करिए। वास्तविक हंसी को देखिए कि किस प्रकार हमारी भूलों पर हंसी कर रहे हैं। पहले तो कौल फैल हाल इस चौपाई में क्या नजर आता है, हमारी चितवन में कौल फैल हाल का मतलब क्या हुआ। तो हमें राजी समझा रहे हैं कि तुम जब मूल मिलावे में, यानी कि हम सब सुंदर साथ जब मूल मिलावे में राजी महाराज को सिर्फ युगल स्वरूप देखते हैं, सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी ही होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कथनी। कथनी ठीक है। और जब चितवनी करते वक्त हमारा लक्ष्य सिर्फ युगल स्वरूप को निहारना, जैसे मान लो हम चितवन कर रहे हैं, अभी हम सब मिलकर सुबह उठ के चितवन करते हैं, तो लक्ष्य क्या होता है कि मूल मिलावे में राजजी महाराज दिखे, उसको लक्ष्य कर लेते हैं कि सिर्फ राजजी महाराज राजजी श्यामा जी हमें दिखने हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी करनी की दृष्टि से देखना, क्योंकि यहाँ पे कौल फैल हाल को अच्छे से राजजी महाराज हमारी समझा रहे हैं। और फिर लास्ट आता है हाल,
हाल क्या होना चाहिए कि हम हमें राजी महाराज अपनी मेहर से वो हमारा से बातें करें, मुस्कुराते हुए उनकी छवि हमें दिखे, तब वो रहनी से दृष्टि से देखना है। कि एक तो होता है कि हम चितवन लगा रहे हैं, जैसे हम रिकॉर्डेड चितवन ही सुनते हैं, तो ये हो गई हमारी करनी। उसके बाद जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमारा लक्ष्य मूल मिलावे की तरफ, राजी श्यामा जी को एक लक्ष्य करकर हम सामने बैठ के उनको देख रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, स्थिति और बढ़ती है रहनी की तरफ कि मुझे राजी महाराज हंसते हुए दिख रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये रहनी। तो इस चौपाई में रहनी का मतलब बताया है। और देख हक हांसी असल, फिर बातें जब होती हैं तो राजी महाराज बातें करेंगे ना हमसे, वहां बैठकर रूबरू जब बात होगी तो हमारी असल में जो हमने किया, तो मूल मिलावे में बैठकर हम हंसेंगे ना कि हमने यहाँ क्या किया, आपने जो कहा था वैसा किया कि नहीं, तो वो नजर आएंगी, वो एहसास होगा हमें कि हमारी हंसी क्या हुई, कि किस प्रकार हमारी भूलों पर हंसी कर रहे हैं मूल मिलावे में बैठकर। हाँ जी मधु दी, ठीक है, ऐसा ही लग रहा है इस चुपाई में। प्रणाम जी, बहुत सुंदर मीनू भाभी, बहुत सुंदर। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहुत अच्छा, कि ऐसे जब हमारे से बातें होए रू बरू, है ना, जब हम रू बरू बात करेंगे तो बात ये होगी ना कि राजी महाराज हमने क्या किया यहाँ पे, जो आपने कहा था वो तो हमने किया नहीं, तो फिर हंसी होगी ना, तो फिर शर्म आएगी, अरे राजी आपने ये भी कहा था और हमने वादा भी किया था कि आपको नहीं भूलेंगे, तो फिर एक हंसी भी होगी और थोड़ी शर्म भी आएगी, तो ये वाली बात। बाकी किरण दीदी को 2 मिनट, किरण दीदी भी इस चुपाई को ले लेंगे, बस सिर्फ 2 मिनट, हम लेट हो चुके हैं। किरण दीदी आपके पास को होस्ट है, किरण दीदी अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। ठीक है, ओ कोई बात, मैंने कहा इसमें वैसे यदि हम कहें रखिए मूल मिलावे। हाँ जी दीदी, आवाज कट रही है कि मेरी कट रही है? किरण दीदी की कट रही है। ओके हाँ जी, बोलो दीदी, बोलो आप। आवाज कट रही है ना उनकी? हाँ जी सुंदर साहब जी, थोड़ी आवाज उनकी कट रही है। उन अपन चुपाई को इस चीज को गहराई में डूबेंगे कि हमें करना क्या है, करनी। अब आएगी, अब आई दीदी, अब आई, अब आप बोलो। हाँ जी, बस यही है कि कॉल फैल हाल की बात कर रहे हैं कि यदि हम बस कहते रहें कि हमें मूल मिलावा में ध्यान लगाना है, करना चाहिए, हमें चितवनी करनी चाहिए, हमें शोभा में डूबना चाहिए, 25 पक्षों में डूबना चाहिए, तो ये हमारा कॉल है। तो अब हम जैसे चितवनी करनी शुरू कर दी, लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ चल दिए, सोए हुए थे जागे, जागते हुए हमने चलना शुरू कर दिया, अर्थात हमारा फैल हो गया, करनी होगी। जैसे आपने बताई दिया कि जब हम वास्तव में शोभा में डूब जाएंगी, अपने धनी के साथ आनंद की लीला करना शुरू करेंगे, परम धाम के 25 पक्षों को रूह की नजर से, आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, तो वो हमारी होगी रहनी। अगर राजी कह रहे हैं कि यदि आप कॉल कॉल करते रहे ऐसा करना चाहिए, ऐसी शोभा में डूबना चाहिए, तो इस बात पे तो राजी हमारी हंसी अवश्य ही करेंगे। राजी देख रहे हैं, कह क्या रही है, कर क्या रही है, और वास्तव में उसको अपनी रहनी में उतार रही है या जीवन में उतार रही है या नहीं रह रही, ये तो एक एक बात हमारे दिल के राज्य को बताए। हमारे दिल में ही राज्य बैठे हुए हैं, हंसी तो हमारी उड़ानी है, हंसी वैसे हमारी उड़ेगी उड़ेगी, हम तो राज्य से हारे ही हारे हुए हैं, लेकिन कोशिश करें कि राज्य
वास्तव में आप ही प्रेम में डुबो सकते हो, हमारी मैं तो इसमें नहीं है, आपकी मैं से हम कुछ कर पाएंगे? हम कहें कि हम अपनी मैं से हम रहने में उतरेंगे तो नहीं उतर पाएंगे राजी, इसलिए हम आप पर ही हैं। हाँ, जो राजी कह रहे हैं हाँ उसकी तरफ चले, अगर सर हो डूबना शुरू करें बस, ये हमारी रहनी, हंसी ना उड़ा पाए राजी। वैसे तो उड़ी नहीं है सबके, इंद्रावती जी की भी हंसी बिना कोई ना रहा, छोड़ ना सके अंधार, माया नहीं छोड़ पा रहे राजी, हंसी तो करेंगे ही करेंगे हमारी, कुछ काम हो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि लास्ट समय में वो हंसी से हम थोड़ी सी अपनी वो उसकी परसेंटेज कम कर ले, बहुत करवा ली हंसी, थोड़ी परसेंट होनी तो है ही हंसी, बाकी प्रेम के चांद से हम अपनी अर्जी करेंगे कि हमें भी वो थोड़ी सी एक बूंद प्रेम की मिल जाए, जिससे हम राज्य के मूल मिलावे में उनसे बात कर सके, उनकी मुस्कुराहट हंसता चेहरा हम उनका देखें और उनसे हंसते हुए मिले, हंस के मिले हसम। प्रणाम जी, सुनो थोड़ी देर होगी। राम जी, किरण आंटी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि 400 साल में लास्ट बैच हम ही हैं सुंदर साथ जी, तो हंसी तो हम इकट्ठी कर चुके ऑलरेडी पोटली में अपनी बहुत सारी, क्योंकि लास्ट बैच है तो इतनी सारी इकट्ठी हो चुकी, कुछ परसेंट ही बचा है, यदि हो सके तो बचाए, नहीं तो फिर उन्हीं जरोखों में बैठकर राजी को बोले कीजिए अब हंसी और हम एंजॉय करते हैं आपके साथ, आनंद लेते हैं उन जरोखों में बैठकर फूलबाग के उन फव्वारों का। पर अति सुंदर, ना केवल कॉल फैल बल्कि हाल में भी उतरने की कोशिश करते रहिए, पहले कॉल पर पूरा, फिर फैल और फिर ही हाल की स्थिति आती है, डायरेक्ट हाल पर जाना बहुत मुश्किल होता है सुंदर साथ जी। अति सुंदर चौपाई, अर्थ भावार्थ, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बच्चियों का जो हम लोगों ने एक दिल में राजी ने दिया कि वाणी अंताक्षरी कॉम्पिटिशन एक ओपन चैलेंज किया जाए, कि खुला निमंत्रण सब सुंदर साथ को कि उन बच्चियों के अपने लिटिल चैंपियंस को देखिए, अपने समाज के सुंदर साथ जी कितना प्यारा वो काम कर रही हैं बच्चियां, उन्होंने बहुत सुंदर तैयारी की है, आप भी एक टीम बनाकर या फिर कुछ चौपाइयां जरूर याद करके आइएगा, ताकि हम कम से कम कुछ देर तो सर्वाइव कर पाए उनके सामने, 15-20 मिनट तो कर पाए सुंदर साथ जी, थोड़ी चौपाइयां सारे बांट लीजिए ताकि सब याद करके आइए, नहीं तो ऐसा होगा, ये देखिए आशीष जी ने बनाकर रेडी कर दिया है, तो ये आज पूरे सब जगह हम डाल देंगे कि श्री प्राणनाथ जी कन्या गुरुकुल वर्सेस सभी सुंदर साथ, ऑल आर इनवाइटेड, तो कम से कम 2-3 चौपाइयों की सेवा लीजिए, अभी पड़े हैं 4-5 दिन, उनको याद करके हमने कम से कम उस कंपटीशन को कोशिश करनी है कि आधा पौना घंटा आगे चला पाए, ये ना हो कि हम चुपचाप बैठे रहे और सारी चौपाइयां हमारी तरफ से भी बच्चियों को ही बोलनी पड़ जाए, तो सब सुंदर साथ को इन्वाइट भी करके लाइए कि इसमें पार्टिसिपेट, नहीं तो कम से कम ऑडियंस बन के बैठकर हमारे छोटे छोटे बच्चों के ये लिटिल चैंपियंस के करतब देखें कि मेरे पिया की वाणी उनके मुखारबिंद से कितनी सुंदर लगती है, जब वो इन चौपाइयों को हल्का सा गाकर सुनाएंगी तो हमारे दिल को कितनी शीतलता मिलेगी कि मेरे धनी की वाणी इनके मुख से जो दिल में याद है इनको सुंदर साथ जी, कितनी मेहनत कितने सालों से उन्होंने की होगी, जो धनी ने ये एक कंपटीशन के रूप में सामने लाने की सोची, और सुंदर साथ जी जो स्पॉन्सर करना चाहते हैं इस इवेंट को, पूरी सेवा उन्हीं बच्चियों के लिए दी जाएगी, 1 रुपी और 1 लाख ऑल सेम, सब सुंदर साथ की सेवा भाव मैटर करते हैं, वो अकाउंट नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, डायरेक्ट उन्हीं को ही भेजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अभी प्यारा सा जयकारा हम सुनते हैं मधु दीदी के मुख से, और उसके बाद मेघ सिंह जी और आशी दीदी ने हैंड रेस किया हुआ था, आप जरूर रुकिएगा। प्रणाम जी मधु दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सोनू सब मिलके लगाएंगे जयकारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी।